नमस्कार, मीडिया हलचल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हिमांशु। सुबह से चुनावी रुझान आ रहे हैं और लोकसभा चुनाव के जो रुझान आए हैं उनसे साफ हो गया है उत्तर प्रदेश में महागठबंधन फेल हुआ है, कांग्रेस पार्टी की रणनीति भी फेल हुई है और बीजेपी एक बार फिर बढ़त के साथ आगे बढ़ रही है। साथ ही बीजेपी का डंका उत्तर प्रदेश में बजा है। अब सवाल इस बात का है कि महागठबंधन फेल हो गया है, चलिए उसकी बात अलग है, लेकिन कांग्रेस का उत्तर प्रदेश में क्या होगा, क्योंकि कांग्रेस की हालत उत्तर प्रदेश में लगातार बेकार दिखाई दे रही है। आखिरी बार अगर कांग्रेस का अच्छा प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में देखने को मिला था तो वो 2009 का लोकसभा चुनाव था, जब दोबारा प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बने थे, तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया था। लेकिन उसके बाद से लेकर अब तक विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस का प्रदर्शन दिन पर दिन खराब होता चला गया। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस के पास ना तो ढंग की कोई लीडरशिप दिखाई देती है और ना ही कोई ढंग का विजन दिखाई देता है, ना ही रणनीति दिखाई देती है, जिसके चलते आपको बता दें कि कांग्रेस उत्तर प्रदेश में पिछड़ रही है। कहा जा रहा था कि राहुल गांधी की पर्सनैलिटी में वो दम नहीं है कि वो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को बढ़त दिला सके, लेकिन कांग्रेस के पास एक तुरुप का इक्का है जिसे प्रियंका गांधी कहा जाता है और कार्यकर्ताओं का मानना था कि जिस दिन प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश में आएंगी उस दिन सुनामी आ जाएगी, कांग्रेस पार्टी एक ऐसी बढ़त हासिल करेगी जिसकी किसी को उम्मीद नहीं होगी। 2019 लोकसभा चुनाव आया, तुरुप का इक्का प्रियंका गांधी निकलकर सामने आई, उत्तर प्रदेश में जगह जगह उन्होंने जनसभाएं की, रोड शो किया और भीड़ भी जुटाई, लेकिन वो भीड़ वोट में तब्दील नहीं हो पाई, ऐसा साफ जाहिर होता है और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। ऐसे में सवाल अब इस बात का है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य क्या होगा। तो कांग्रेस का भविष्य अब साफ दिखाई देता है कि अगर कांग्रेस उत्तर प्रदेश में खुद को बचाए रहना चाहती है तो यहां पर एक बड़ी लीडरशिप को प्रोजेक्ट करना होगा। इसके अलावा कांग्रेस को इस पर फोकस करना होगा, अपनी रणनीतियों को बेहतर तरीके से उत्तर प्रदेश में लोगों के बीच बताना होगा, वरना कांग्रेस उत्तर प्रदेश में कहीं गायब होती नजर आ रही है। और वो बात भी बड़ी नहीं होगी, ये कहना भी बड़ी बात नहीं होगी कि उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस खत्म हो जाए, कांग्रेस ना बचे, तो कोई अतिशयोक्ति होगी, क्योंकि जिस तरीके के कांग्रेस के हालात, कांग्रेस की स्थिति दिखाई दे रही है उससे साफ जाहिर है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस खत्म होने की कगार पर है। ये वो चीजें हैं जो संकेत दे रही हैं कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का भविष्य अब कुछ नहीं बचा है। महागठबंधन के पास भी अब मंथन का वक्त है और कांग्रेस के पास भी अब मंथन का वक्त है कि अब दौर आ गया है वो कि जब विचार करना पड़ेगा कि आगे कैसे बढ़ना है और कैसे अपने अस्तित्व को बचाए रखना है, कैसे खुद को आवाम के बीच में बनाए रखना है। हमारी ये जानकारी, हमारा ये वीडियो, हमारी ये खबर आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें।